हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी एन आई एस ऑफिसर। आज की टू एनहांस योर वोकैबुलरी सीरीज़ में हमारा डे 12 है। इससे पहले हम लोग 11 दिनों तक के सीरीज़ को अपने चैनल पर चला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और आजकल हम अपने वीडियोज़ में कुछ शॉर्ट्स में ही आपको KBC के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बड़े बड़े अमाउंट के लिए पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसको आप 15-16 मिनट में उसको आप देख सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियोस से रोज़ 5 वर्ड सीखते हैं तो आप साल में 1825 इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू डिफरेंट वर्ड सीख जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी और आपको बोलने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। सबसे पहला हमारा वर्ड है आज का इंडिजिनस। इंडिजिनस एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वदेशी। इंडिजिनस इसको बोल सकते हो आप, स्वदेशी कहते हैं, मतलब अपना देश का नेटिव। नेटिव का मतलब भी वही होता है, नेटिव का मतलब जैसे कि आप कहीं के नेटिव हो, मतलब आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहे हो। जैसे अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली की नेटिव हूँ, मैं वहीं से ही, मेरा बचपन सब वहीं पर ही हुआ है और मैं वहीं पर बड़ी हुई हूँ। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से उस जगह पर रह रही हूँ। सिनोनिम्स, एबोरिजिनल या फिर लोकल। लोकल आपने सुनोगे कि यहाँ के लोकल लोग ये हैं, ये यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, ये लोकल हैं, इस तरीके से बोला जाता है। एंटोनियम है इसके एक्सपैट्रिएट, जो कि बाहर से आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, लोकल नहीं होते। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, द मोस्ट इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स वर द अमेरिकन इंडियंस। सबसे पुराने इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी कौन थे? अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंडियंस का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लोग अमेरिकन में जाके बस गए। वहाँ पे जो सबसे पुराने, जो सबसे पहले लोग अमेरिका में रहते थे, उनको वहाँ का अमेरिकन इंडियन कहा जाता है। और हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी आपने डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें जो है अमेरिकन इंडियंस और अमेरिकन के बीच में आपने कई सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी होंगी। तो द मोस्ट इंडिजिनस, सबसे पुराने इंडिजिनस प्रजातियां कह सकते हैं, किसी जगह की इंडिजिनस स्पीशीज़ होती हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की, या फिर इंडिजिनस लोग होते हैं, कई गांव के नेटिव लोग होते हैं, उनके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धनी। ऑप्यूलेंस भी कह सकते हो कि आपके पास पूरी भरपूर है पैसे की, बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉस्परस, वेल्दी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है पुअर। अफ्लुएंट का मतलब है बहुत धनी, जिसके पास सब कुछ हो, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि हो, धन हो, वेल्थ हो, और पुअर गरीब। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, आई रिजाइड इन एन अफ्लुएंट नेबरहुड। मैं एक अफ्लुएंट नेबरहुड में रहता हूँ, मतलब मैं जिस रहती हूँ या फिर तो मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मेरे आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही अफ्लुएंट है, मतलब वहाँ पर सारे लोग अमीर लोग रहते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कोई झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं, हाई क्लास सोसाइटी है। इस तरीके से आई रिजाइड इन एन अफ्लुएंट नेबरहुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एपिडेमिक। एपिडेमिक का आपने आजकल बहुत सुन रहे होंगे, एपिडेमिक, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जो आ रहा है बिहार, राजस्थान, बॉम्बे जैसे जगहों पर, उनको बोला जा रहा है। कई जगह पे ब्लैक फंगस को एपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है। इसको महामारी कहते हैं और ये एक नाउन है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़ एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारे एनिमल्स को अगर एक डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही होती है तो उस चीज़ को हम महामारी बोलते हैं। पहले कोरोना वायरस को भी एपिडेमिक ही कहा जा रहा था, उसके बाद ये पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक एपिडेमिक से भी बुरा हाल जब हो जाता है तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। उसका सिनोनियम जैसा ही हो सकता है, बट सिचुएशन थोड़ी और वर्स हो जाती है। सिनोनिम है इसके प्लेग या फिर पेंडेमिक। एंटोनिम हो सकता है इसका एंडेमिक, मतलब ऐसा जब कोई सिचुएशन नहीं है तो एंडेमिक कह सकते हैं उसको। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, ओवर लाख ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग लास्ट ईयर COVID-19 एपिडेमिक। लाखों से भी ज़्यादा लोग COVID-19 के बीमारी से जूझते हुए लास्ट ईयर उनके डेथ हो गए। और आजकल का जो आंकड़ा है ये भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं हमारे यहाँ पर, जिस एपिडेमिक से, पेंडेमिक से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहिए, तभी बाहर निकलिए जब आपको कहीं भी बहुत ज़रूरी काम हो, अननेसेसरी बाहर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असिस्टेंस। असिस्टेंस एक नाउन है
जिसका हिंदी मीनिंग होता है सहायता, असिस्टेंस, जैसे कि आपने सुना होगा पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं लोग। असिस्टेंट मतलब जो व्यक्ति आपको असिस्ट कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल हु इज़ असिस्टिंग यू, तो वो आपका असिस्टेंट हो गया। और जो हेल्प वो आपको दे रहा है वो होती है असिस्टेंस, आपको हेल्प दे रहा है, हेल्प या फिर सपोर्ट दे रहे हैं। सिनोनिम्स होता है इसका एड, एड का मतलब इसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड मतलब जो पहली सहायता होती है, अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो जाए, बीमारी हो जाए, या फिर कुछ मतलब अगर लग जाए कोई चीज़, तो फर्स्ट एड का मतलब पहली हेल्प जो आपने की, या फिर एनकरेजमेंट, आपने किसी को बढ़ावा दिया। तो ये एक दोनों थोड़े डिफरेंट से वर्ड हैं, एक कॉन्टेक्स्ट की बात रह सकती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा। एंटोनियम इसके हो सकते हैं ऑपोजिशन या फिर ब्लॉकेज। किसी को हेल्प करना मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी के ब्लॉकेज, किसी को ऑपोजिशन मतलब आप उसके रास्ते में एक हिंड्रेंस बनकर आ गए हो, और एक प्रॉब्लम बनकर आ गए हो जो कि उसको काम नहीं करने दे रहे हो। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है इसका, वी ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करते हैं। और जैसे कि कई जगह पर हो रहा है ऐसा कि जहाँ पे बच्चे अपनी कोचिंग की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनकी कोचिंग की फ़ीस कम करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, या फिर जो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया कि जनधन अकाउंट में सबके पैसे आए, कुछ ऐसा था। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है कि पैसे से रिलेटेड आपने किसी की कोई हेल्प करी, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है, ताकि हम आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ, आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। तो चलिए हमारे लास्ट वर्ड को समझते हैं हम। अब हमारा लास्ट वर्ड है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर आपने जब आप मैथ्स पढ़ते होगे, छोटे बच्चे होगे जब, आपने सुना होगा सक्सेसर और प्रेडिसेसर होता है। सक्सेसर का मतलब आगे आने वाला, प्रेडिसेसर का मतलब पीछे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर 45 नंबर को ले रही हूँ, तो 45 का प्रेडिसेसर क्या होगा 44, और उसका सक्सेसर होगा उसका आगे आने वाला नंबर 46। इस तरीके से आपने सुना होगा, बट इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम आज देखेंगे। द पर्सन हु वॉज इन द जॉब और पोजिशन बिफोर द पर्सन हु इज़ इन इट नाउ, मतलब एक पर्सन आज के प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पर काम कर रहा है, तो इससे पहले जो भी इंडिविजुअल यहाँ पर काम करके गया वो उसका प्रेडिसेसर है, ठीक है। सिनोनियम हो सकता है इसका एंटीसीडेंट या फिर फोर रनर या फिर एंटीसीडेंट, जो हमसे पहले आया हो। एंटोनिम हो सकता है इसका सक्सेसर या फिर हायर। हायर का यहाँ पर आयर इसको पढ़ते हैं, और इसको आप वंश, ये इसको कहते हैं कि आपके वंश होने, आपका जो वंश चलने वाला, जैसे कि राजाओं के टाइम में ये वर्ड, जैसे कि वंश चलने वाला है, हमारा वारिस होगा, तो उस वर्ड के लिए ये वर्ड होता है। और एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, माई प्रेडिसेसर वर्कड इन दिस जॉब फॉर 20 ईयर्स, मेरे से पहले जो इंडिविजुअल यहाँ पर काम करता था उन्होंने 20 साल तक इस जॉब में काम किया था। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।